सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। श्री सतीश राव जी, सीओ यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रक्षा क्षेत्र में से जुड़े हुए सभी तीनों सेनाओं के साथ ही रक्षा उत्पादन और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत सभी अधिकारीगण, इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी उद्यमीगण और भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप भारत को रक्षा उत्पादन के साथ ही रक्षा उत्पादन शोध और उसके विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, जिसकी श्रृंखला के क्रम में डिफेंस एक्सपो 2020 का ये सफलतम आयोजन आज अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एमओयूज का कार्यक्रम माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने संपन्न हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि रक्षा मंत्रालय ने अब तक इस प्रकार के एमओयूज को बंधन के रूप में एक नया नामकरण देकर के इसके साथ एक भावनात्मक संबंध जोड़ा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले माननीय रक्षा मंत्री जी का, रक्षा राज्य मंत्री जी का और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों का और अन्य उद्यमियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि डिफेंस एक्सपो 2020 का यह विराट और विशाल आयोजन करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है और एज ए पार्टनर स्टेट उत्तर प्रदेश ने इसमें सहभागी बनकर के उत्तर प्रदेश के अंदर की उन संभावनाओं को भी देश और दुनिया के सामने रखने का एक प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2018 में इसी राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लिए एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी। पिछले दो वर्ष के दौरान हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के उन 6 नोड्स में करने का प्रयास किया था और उसके माध्यम से प्रयास किया था कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़े उद्योग, लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग भी उत्तर प्रदेश में लगें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यूपीडा के माध्यम से आज यहाँ पर 23 एमओयू संपन्न हुए हैं, जिनके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के दस्तावेज पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं कि इतने एमओयूज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के लिए तैयार हैं। ये केवल एक एमओयूज नहीं है, यह उससे भी आगे जाकर के उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को
और जिस क्षेत्र में ये सभी रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यम लगने जा रहे हैं या उससे जुड़े हुए एंकर यूनिट लगने जा रहे हैं, यह प्रदेश का आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र माना जाता था।